वस्तुओं को उनकी संख्या के अनुसार तुलना करना। आज हम बच्चों को वस्तुओं को उनकी संख्या के अनुसार तुलना करना सिखाएंगे। देखो माँ, कैसे हैं यह चित्र? वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। चलो अब सब एक प्रकार के जानवरों का एक समूह बनाओ और हर समूह को एक नाम दो। ठीक है माँ, पर क्या नाम दूँ? बेटा, हर समूह का नाम उसमें दिए गए जानवर का नाम होना चाहिए। अब हर समूह के नीचे उस समूह में जितने जानवर हैं वह संख्या लिखो। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शेर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं या बंदर वाले समूह में? शेर वाले समूह में एक जानवर है और बंदर वाले समूह में चार जानवर हैं। संख्याओं में चार एक से ज्यादा होता है, इसलिए बंदर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब बताओ कि हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं या मगरमच्छ वाले समूह में? हिरन वाले समूह में तीन जानवर हैं और मगरमच्छ वाले समूह में पांच जानवर हैं। संख्याओं में तीन पांच से कम होता है, इसलिए हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे पिंकी ने अलग अलग जानवरों की संख्या की तुलना की। क्या आप लोग भी पिंकी की तरह अपने पास की चीजों की संख्याओं की तुलना कर सकते हो? चलो बताओ, किस टोकरी में ज्यादा कलम है? पहली टोकरी जिसमें पांच कलम है या दूसरी जिसमें दो कलम है? बिल्कुल सही, पांच कलम दो कलम से संख्या में ज्यादा होते हैं, इसलिए पहली टोकरी में ज्यादा कलम है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एक से पांच तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे जिनमें हमने इन संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बच्चों की कॉपी में आज की तारीख और यहाँ पर दिए गए वस्तु के चित्र उतारिए और उन्हें तीनों प्रश्नों में कम वस्तुओं को गोला करने के लिए कहिए। कार्य करने के बाद कॉपी की एक तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।